खराटे नहीं कराटे। कहाँ बना रहे हो भाई? कहाँ बना रही चुन्ना? कहाँ बना रही है? घर बना रही है। हाँ खाना कुनफू सीख ली तेने? क्या बात है खाना, कल कुनफू सीख रहा देख ले। खराटे नहीं कराटे। खराटे नमस्ते। क्या कुट्टी इधर करा दी, खक्का की बैठा दी। रामायण की आवाज आ रही है। क्या खास लिया बेटा? बाड़े या नहीं दियो तो कोई जय में कही जसू। और क्या बात है, बक्कल दियो ही चुन्ना को दिया बक्कल। बेटा तू को दियो रुमाल। क्या बात ले, चुन्ना को अच्छा लग रहा है। ओके के रुपये दिए और या कुन दिया कु। अरे तू किन्या ही नहीं तो बुलाया नहीं जैसे था। बढ़िया हाल रुमाल दे दिया तुमने। बुलाए मत करे, लग जाएगी यार। ला देख 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 टमाटर मिर्ची। और इनको भैया बढ़िया हाल चाल? चलो चलो बढ़िया। ना क्या कर रही है? बीड़ी पी रही है। अरे बीड़ी पी बारी तो तेन फोन चो करे नी। अरे भगवान, में खेतरे में माँ बैठे दुकान पे लबड़ी तो बनाओ, फिर बनाओ फटाक से बनाओ। आगे भी तो आगे बिल्कुल ताती हैं देव। घर बनाया ने? नहीं बनाया। तू तो कह रही घर बनावेगी, नहीं बनाया वाजू। अरे बना और ऊंट गाड़ी देख। तो भैया चुन्ना की ऊंट गाड़ी हेरी, ऊंट गाड़ी में सामान ले गए और सामान पहुंचा दी इधर घर बनाने के लिए। आ जाऊं बैठ जाऊं? ठीक है भाई साहब बैठ को ले। बता अब बना घर बना कैसे बना? बता बना बना घर बना रहे, तेरी मम्मी तैयार खड़ी रहे देखी। तो दोपहर को बच्चों के भाई तीन और मेहमान आए हुए घर पे। आगे बस आगे तो कुछ मेहमान आए हुए, उनके लिए रोटी बना रही थी आज तुम्हारी। यहाँ कैसे बैठी बेटा? तो यही जगह मिली पड़ हुए बता। और भैया रविंदर क्या हाल है तेरे? बढ़िया। चलो बढ़िया, जयपुर से आ रहे सीधे? चलो ओके। थाली तो अच्छा रज है रही है ना, रज रज नहीं हो रही, धूल हो रही है। ओके रज तो बाज गए भभूति से। भभूति मतलब राख से जो हवन में से निकले ना, वहां से गए रज हमारे। क्या गया से क्या गया भाई? सही ना है ही, क्या कमी है भैया? मिस्त्री लाए तो भाई तो पूछ रहा हूँ सही करेगी नहीं करेगी। ले मो पता तो पूछता चाहूँ मैं। हे भगवान का देख ले, कैसी कैसी लेडीज होगी देख ले, है ना अंकिता? सीधा जवाब दे, होने जाना है ना। कैसे कैसे आने जाएगा? पूछो मत सही, मिस्त्री ले रहा मुख का मतलब सही करी कि नहीं करी। मैं शाम को वही खाऊ यहाँ। अब मैंने इनसे यो पूछी कि चक्की सुधर गई का जो कहे तो पता नहीं। अब भगवान मुख पता होते मैंने पूछ तो कही मैंने नहीं। बता हाँ जब तो मुख का हो याद पूछना तो पड़ेगा। चिल्लाई तो भगवान मो पत्री कौन लगा रहा कुंदी है? तुम लगा लो। मैं कब लगा कुंदी लगा यार? मैंने नहीं लगाई कुंदी, लगा रहा मेरे को 800 सुबह के जब। अब बाल तो नहीं लगाई, लगाई घर तक आया था। ठीक है बेटा होने को बेटा, मैंने रोटी खा लूंगा आराम से। तू पहना जा रसोई में जा, उधर जा पढ़ ले तो जा। एक बैठ हुई जगह देख खतरनाक देख कट्टान के ऊपर ना काली आई ला झाड़ू देवे पूछो ली आई तो बोले और क्या चाहिए। चुन्ना कुमेड़ी हो रही है हमारी, चुन्ना काम करवाड़ी हो रही, काम करवाड़ी। बना ले बेटा झाड़ू बना रहे, मैंने झाड़ू बना रहे तेरी चाची को, झाड़ू बना दे। शाम को बच्चों के चार और चुन्ना कहाँ चला रही बेटा? बुलेट है बंदूक चला रही, बंदूक है उन्हें देख रही है, उन्हें उनके पास डर रही है। ये आदमी की चाल कितने खतरनाक है यार, देखी एकदम बाहुबली। जोर लगा जोर लगा जोर लगा, देख राधी का बैग दे भाई तुम्हें। तो रविंद्र भैया अच्छा लगा आपसे मिलके, हमेशा मिलते रहेंगे और कुछ नए जोश में नए काम करने की तमन्ना रखो।
कल फिर से आना कंटेंट लिख के और कल से शुरू करते हैं मैदान, ठीक है? ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। चाबी पेंसिल खा रही है, डाटा पकड़ 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 पेंसिल खा रही, पेंसिल खा रही है, पेंसिल खा रही हो तेरी पेंसिल है उजा, पेंसिल खा रही है। काजल यहाँ तक लगा दी, नाक तक काजल लगा दी। प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, इस्तमा हो रहा है। इस्तमा बोले तो मतलब जैसे हमारा सत्संग होता है उस तरीके के। हाँ, क्या बात है। तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया था मोमडन गांव में इसमें सत्संग की तरह का प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं इस्तमा। एक बार देखा ही कॉलेज करवाने आपको। अच्छा इस्तमा भैया, इस पहले पढ़ चले गए। इस्तमा नाम की चीज होती है जो सत्संग जैसी होती है, जैसे हमारे सत्संग होता है गुरुद्वारे वगैरह मंदिर वगैरह में, इसी की तरह उनके यहाँ ये चल रहा है प्रोग्राम। एक दिन कोई करौली धौलपुर है ना, यहाँ पर और दो जगह पार्किंग लगाई गई है, सुविधा फुल है खाने के लिए, अच्छा। सोने के लिए सब चीज की सुविधा है। चलो ठीक है, तो आगे जाएं हम, लोग आएंगे आगे जा सकते हैं। चलो ठीक। मोंडे देखा ही काला सूम हो रहा है, दिखाई मोंडे साफ हो रहा है। चलो ठीक है, माफ किया, ठीक है। तो ऐसा था भाई, मैं गुंसार गांव में गया तो वहां जाके पता चला कि मस्जिद के अंदर शायद प्रोग्राम चल रहा था, तो हम वहां नहीं जा पाए। नहीं तो मैं आपको दिखाता एक अलग ही रिवाजों के साथ अलग किया वो प्रोग्राम। कहा वो कहा चले, अरे कहा चले, कैसे जगह का नाम देखो, चले कहा जाएगी बंदा, अब चले चल, तला लिया थाली, लिया जा जा, चल लिया। हाँ भाभी आ रही है, चलेंगे ना भाभी, आन दा भाभी आ रही है, चल देना ले, यहीं तो है ही, ले जा। तो ऐसा है कि भाई अंकिता के गांव की एक लेडी है जिसको थाली देनी है हमको, थाली देव चल रही, कहा देव चल रही है, तो उसके गांव से थाली आई थी तो उसको पहुंचाने जाना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है जैसे कि राजकुमारी गांव से कोई थाली आएगी तो इसके गांव की कोई लेडी है अगर हमारे दूसरे गांव में तो उसके लिए आएगी, तो अंकिता गांव के तो पास में ही बड़ौली या गांव की तो एकमात्र पीस ही वन एंड ओनली, अड़ोस पड़ोस के 10-12 गांव में है कोई, 10-12 गांव में है तेरी कोई गांव की, कोई नहीं है। तो अंकिता भाई की है तो अभी जा रहे हैं हम उनको थाड़ी बाड़ी पहुंचाने के लिए, बर्तन भांडे इस तरह की कोई चीज़ कपड़े लत्ते वगैरह आते रहते हैं, मतलब ये कर लो गाँव से गाँव की और लेडीजों के लिए। थाली तौलिया, क्या बात है, चलते भाई इनको पहुंचाने के लिए। अगर ऐसा कुछ आपके यहाँ भी होता हो तो मुझे पक्का बताना भाई कमेंट में, ठीक है। अरे चल रहे महाराज चल रहे, चुन्ना कहाँ पहुँच गई, चुन्ना आजा आजा बेटा आजा, भारी जिद कर रही है आवेगी। हाँ तेरी तो मासी है, चुन्ना की मासी है भाई, ठीक है उधर हो जाओ। चुन्ना सबड़े घुमाई आज है, एक मौसी से मिलाई, बूढ़ी बूढ़ी मौसी से मिलाई, और कहा ना कबड़ा रे दलिया लाग रख जो। ले उसको सेकते भाई घी में दलिया को, उसके बाद बनाते हैं हम लपटा दलिया, मतलब की ठीक है। बच्चों के शाम को 6 और बना लेते एक प्यारी सी रील इंस्टाग्राम और हमारे शॉर्ट्स के लिए। नीचे की तरफ जा, मतलब नीचे उतर जा, नीचे ये लकड़ी उठानी है, ठीक है मैं खेलूं जाऊँ, ठीक है रेडी है, आर यू रेडी। पता कल आ गई कुरकुरे, कल आ गई चार्जेस नहीं बोली, कई बोली छोरी इनसे, तू तू भी नहीं बोल रहा है और फिर भी बोल रही चोरी से, तमन से ना गलत बात है, मत बोला चोरी से चलेगी ये और कछु रे नहीं लग जाएगी, लग लहसुन की पोत लिया, लहसुन की चटनी, लहसुन की पोत री राधिका, लहसुन की पोत दे बेटा, क्या बात है राधिका माता पहुंच गई, अरे तरफ जा बस बस एक और देते बस बस लहरी लहसन की पोत, मतलब मतलब है रुक जा रे यार, आजा आजा रुक जा रुक जा, देख 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 तो बट गई भाई चटनी।
आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना। राम राम जी, जय जो